नमस्कार, आइए आज हम आपसे रूबरू कराते हैं नव निर्वाचित ग्राम प्रधान मंगला प्रसाद यादव ग्राम सभा पिपरी से। आइए सुनते हैं उनकी जबानी। मंगला प्रसाद यादव मंगल मंगल जी, आप नव निर्वाचित प्रधान हैं? जी, मैं ग्राम पिपरी का प्रधान हूँ, नव निर्वाचित प्रधान लाख चोलापुर वाराणसी। ये बताइए, आपका चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या था? मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा गांव का विकास। कितने वोटर्स जीते हैं आप? जी, 378 वोटर्स हैं। किस तरह से गांव का विकास करेंगे? जी, गांव का विकास जो हम लोग काफ़ी हम लोग का गांव थोड़ा सा अभी नया नया 5 साल पहले भी अलग हुआ है एक ग्राम सभा से, अजगरा ग्राम सभा जो कि पहले था, और इसी के लिए थोड़ा सा हम लोग का विकास थोड़ा चूँकि गाँव बड़ा होने का कम हो गया, चूँकि पुरवा था, और इसलिए कि हम लोग के गाँव में काफ़ी नाली का समस्या और आवास और आपका वृद्धा पेंशन मतलब तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका सुरक्षित करने का निश्चित करने का लक्ष्य है हमारा। जटिल समस्या क्या है गाँव की? गाँव जटिल समस्या सबसे बड़ी कि हम लोग के रास्ता और नाली नहीं है, जबकि जो सबसे बड़ी जटिल रास्ता सबसे बड़ी जटिल समस्या है। गरीबों कैसे मदद करेंगे आप? गरीबों का मदद जैसे जो भी हमारे लायक रहेगा ग्राम सभा स्तर से, जो भी गांव विकास के लिए आएगा, जो अपने 100% खराब करने की कोशिश करेंगे हम। शिक्षा को लेकर क्या आपका विचार है? जी, शिक्षा को लेकर क्या विचार है? शिक्षा को लेकर शिक्षा थोड़ा सा इसलिए कि हमारे गांव में जो व्यवस्था पहले थी उसके लिए हम लोग भी मास्टर साहब से बात भी किया है, और हम लोग काफ़ी उसमें मतलब की थोड़ा करेंगे, इसलिए कि जो गवर्नमेंट से आता है बच्चों के लिए वो सही से धरती पर स्कूल पे हम लोग देखे हैं, आता तो कुछ और है, बाकी यहाँ उस हिसाब से हो नहीं पाता, इसलिए हम चुनाव जीतने के बाद ही प्रोफेसर साहब जो थे हमारे स्कूल पे बधाई देने के लिए बोले, तो हमने बोला भाई आप थोड़ा सा जो हमारे गांव में जो पैसा आता है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हो कापी किताब की, आप इस बार अब से दुरुस्त करना है व्यवस्था, चूँकि बच्चे हैं हम लोग देखते हैं बच्चे जो कि जो भोजन है वो जो बनता है, और मतलब मिड डे मील पर आप सख्ती रहेगी? हाँ, मिड डे मील पर मेन। अच्छा प्रधान, ये बताइए गांव में, जी गांव काफ़ी दूर है मुख्यालय से, जी जी, तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में जी चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? जी, चिकित्सा की व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है, चूँकि CHC से मुख्यालय से मेन बहुत दूर हमारा गाँव, और ज़मीन भी छुट्टी है। ज़मीन है गाँव में? हाँ, ज़मीन भी है, और चूँकि हम लोग कई बार मंत्री और सांसदगण से इस बात के लिए मुद्दा उठाए और चूँकि नहीं सुना गया, और चूँकि बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, चूँकि रात में अगर मान लीजिए अभी थोड़ा हो जाती दिक्कत होती तो हम लोग को दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए मेन बहुत ज़रूरी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए बन गया ये जो है राइट टू एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा, जी जी, उसके बारे में भी आप काम करते हैं? जी जी, हमने अगले बार भी मतलब 2 साल पहले भी फार्म भरवाया था बहुत बच्चों को स्कूल पे, और आया भी बहुत, और अब मान लीजिए अगले बार भरवाया तो भाई कोविड के लिए सब स्कूल तो बंद है साल भर से, और उसके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार की है गरीब बच्चों के लिए, जो कि एक समझ लीजिए कि सूत्रधार है, मतलब कि बहुत बढ़िया, बस पैसा लगना नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई। और आपके गाँव पिपरी में बहुत से ऐसे वृद्ध हैं, विधवा औरतें हैं, जी जी, जिनको भी पेंशन नहीं मिल रहा? जी जी, बहुत लोग हैं, हम मतलब कि हम इसमें मेन हम लोग खुद एक मीटिंग बुलाएंगे अभी शपथ पत्र और शपथ के बाद, और जितने हमारे गांव में जैसे वृद्धा हैं 60 साल के बाद वाले और विधवा, हम मेरा ये भी फोकस है कि पहले सबका 60 साल जो बोलते हैं वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, उस पर भी मुख्य एजेंडा होगा काम करने का, क्योंकि बढ़ोतरी में एक जो कहते हैं ना बुढ़ाई में वही सहारा होता है। आप गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वृक्षों की कटाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुई है, जी, तो वृक्षों को लगाने के संबंध में आप क्या काम करेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले और अपने ग्राम और पूरे देशवासियों सबको मैं एक चीज़ निवेदन करूँगा, वृक्ष जो लोग काटते हैं जी एक कोशिश करें कि एकदम ना काटें, क्योंकि वृक्ष ही जीवन देता है, और वृक्ष हम भी अपने ग्राम सभा में और वृक्ष को लेकर काफ़ी अधिक से अधिक पेड़, क्योंकि अब देखिए आपका जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त महीने में आता है, और अपने गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगवाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि इसलिए हरियाली और अथवा है, क्योंकि वृक्ष बहुत ज़रूरी है, वृक्ष ही जीवन है मान लीजिए हम लोग का सबका, और वृक्ष या सबके लिए सलाह है कि वृक्ष हम कोशिश करते हैं कि वृक्ष ना काटें। ठीक जी।
पिपरी गांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना अंतर्गत सामुदायिक हल बना हुआ है। यहां पर पुराना ट्यूबवेल है, देखिए इसकी ये बाउंड्री है। और जहां पर ये देखिए पीछे की ज़मीन जहां पर गोबर और भैंस बांधा गया है, हॉस्पिटल की ज़मीन बताया जाता है। गोबर करके लोग इसमें जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं ताकि इसमें हॉस्पिटल CHSC इस गांव में नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिससे कि मुख्यालय से बहुत दूर गांव है ये। यहां पर CHSC और BSSC की गांव वालों ने काफ़ी मांग किया है। भागवत।